सिटी बैंक की वैन बड़ी तेजी से रोड पर बढ़ती चली आ रही है। उसके पीछे मोटरसाइकिल पे कोई आ रहा है। मोटरसाइकिल वाला वैन के अंदर कुछ डाल रहा है और ये क्या, धुआं उठ रहा है। वैन में सवार ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड सब धुएं से परेशान हो रहे हैं। और अब बाइक सवार ने वैन के पीछे आकर उसका दरवाजा खोला और वो रुपयों का बैग निकाल के भाग गया। क्या बैंक का रुपया लूट के भाग रहा है और तुम आराम से सो रहे हो? और मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ। ठीक है छोटे नन्हे बच्चे, मैं चला उस लुटेरे को पकड़ने। रेवा, लड्डू सिंह जी को इन्फॉर्म करो। ओके शिवा, हम आते हैं। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू लड्डू सिंह जी। नाना जी, देखिए किसका कॉल है। मैं ड्राइव करते हुए बात नहीं कर सकता। हेलो लड्डू सिंह जी, बैंक की वैन के रुपए एक चोर ने लूट लिए हैं। क्या? ध्यान से सुनिए लड्डू सिंह जी। अरे भाई, वो ड्राइव कर रहे हैं। बैंक की वैन का रुपया चोरों ने लूट लिया है? अरे भाई, तुम्हारी वॉइस क्रैक कर रही है। अरे लड्डू सिंह जी, बैंक की वैन, BAN वैन, वैन। ओहो, समझ गया, तुम लोग कहाँ हो, मैं अभी आया। क्या क्या, अच्छा समझ गया। बच्चे हटो सामने से। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। तुमने अपना नाम तो बता दिया बच्चे, अब मेरा नाम भी सुन लो। आई एम जैक, जैक द थीफ। लड़ते अच्छा हो, लेकिन जैक को ना कोई रोक सका है, ना कोई रोक सकेगा। बाय बाय।
सुनो लड्डू सिंह जी, बैंक की वैन लूटने वाले चोर का पता चल गया है। अब फौरन यहाँ चले आइए। ओके। अरे मैं कितनी बार कहूँ मेरा नाम जैक द थीफ नहीं, मैं सिद्धेश्वर हूँ और मैंने कोई वैन नहीं चुराई। आप लोग मानते क्यों नहीं? ये क्योंकि चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोरी की है, समझे? सर जरूर इस बच्चे को गलत फहमी हो गई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, यही आदमी है सर, इसी ने चोरी की है। मैंने चोरी नहीं की। अच्छा हमें तहकीकात करने दो, सरकारी काम में दखल अंदाजी मत करो, समझे? ये ऐसे नहीं बताएगा। तुम लोग बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो, एक मिनट में सब कबूल कर लेगा। अरे ये कैसी सजा दे रहे हो? उनका गाना सुनाने से तो अच्छा है जेल में डाल दो, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। अरे हाँ मैं बताना भूल गया, मैं तो आज पुलिस स्टेशन में खुद चोरी की रिपोर्ट लिखाने आया था, मेरे घर में भी तो चोरी हो गई है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो चल के हवलदार पेड़ाराम जी से पूछ लीजिए, उन्हें तो याद होगा। ओके ओके ओके, चलो पुलिस स्टेशन चलकर पूछते हैं, चलो। ये आदमी आया था चोरी की रिपोर्ट लिखवाने और ये 10 बजे की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है सर। ये कैसे हो सकता है? इस आदमी को 10 बजे बैंक की वैन लूटते हुए मैंने खुद पकड़ा था। शिवा काश हमारे पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा होता तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता अभी के अभी। अरे सर है ना सीसीटीवी कैमरा, अरे कल ही तो लगवाया है, वो देखिए। यस यस मैं तो भूल ही गया था, चेक चेक करो। ओके चलो इसकी 10 बजे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। बस अब हो गई तसल्ली या बेइज्जती करने में और कुछ कसर बाकी है? बच्चे मैं तुमसे फिर कहता हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, शायद तुम हेलमेट में उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाए। सॉरी सर, आई एम सॉरी। शिवा तुम साइकिल की इतनी रिपेयर क्यों कर रहे हो? क्योंकि साइकिल को एकदम फिट रखना होगा, वरना ये अगली बार मोटरसाइकिल का मुकाबला नहीं कर पाएगी। आई एम श्योर चोर तो वो मोटरसाइकिल वाला ही था। लेकिन वो जो कह रहा था कि हेलमेट में तुम ठीक से चेहरा पहचान नहीं पाएगे, वो बात सही है? हेलमेट में पूरा फेस नहीं दिखता है। यस यस वही चोर है, वरना उसे कैसे पता चला कि चोर ने हेलमेट पहना हुआ था? हमने तो उसे ये बात नहीं बताई थी। लेकिन एक चोर दो जगह एक साथ कैसे हो सकता है? यही तो पक्का करना है। शिवा खाना खा लो, नानी ने बुलाया है। शिवा शिवा कहाँ हो? ये मेरे सर पर क्या गिर गया? अरे शिवा शिवा मैं कहाँ आ गया? अरे मकान की छत कैसे नीचे आ गई? मैं मकान के नीचे कैसे दब गया?
अरे अरे कुछ नहीं हुआ नाना जी, आप दीवार पर चढ़ गए हैं। मेरे बुढ़ापे का मजाक उड़ाता है, मैं आदमी हूँ या छिपकली जो दीवार के ऊपर चढ़ जाऊँगा? हम सब छत के नीचे दब गए हैं, लेकिन लेकिन तू चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले उल्टे पैरों वापस चलिए। भाई उल्टे पैरों वापस चलूं? चलो ये भी करके देख लेता हूँ। अरे मैं तो सचमुच दीवार पे चढ़ गया था। अगली बार मैं तुम्हारी वर्कशॉप में नहीं आऊंगा, अरे मेरी हड्डी पसली टूट जाती तो। लूटी थी इस चोर ने, तो ये सोच रहा है कि आज ये हमारी वैन से भी चोरी कर लेगा। चलो उसको सबक सिखाते हैं। लड्डू सिंह जी, आप? मैं वैन की सुरक्षा के लिए इसके साथ आ रहा था और तुम लोगों ने मुझे ही पीट डाला, इंस्पेक्टर लड्डू सिंह को। सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात। अरे अरे मुझे भी तो उठाओ अकल के दुश्मनों। लड्डू सिंह जी, वैन से पैसे चोरी हो गए। मुझे तो तुम यहीं पड़ा छोड़ गए। अगर मैं साथ होता तो चोर की क्या मजाल कि वो वैन को लूट लेते। आई, मैं अभी आता हूँ, रुको। शिवा आप वही रुकिए, मैं आता हूँ। मेरे पास एक प्लान है, सुनिए। ओके शिवा, ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे मैंने भी ये प्लान बनाया था, हम दोनों एक जैसे ही सोचते हैं। है?
सिद्धेश्वर साहब, हमें ये जगह छोड़ के चले जाना चाहिए। वो बच्चा तो पुलिस वाले से ज्यादा तेज है। वो देखो फिर मेरे पीछे आ रहा है। तुम चिंता मत करो, जब तुम चोरी कर रहे थे मैं एक सीसीटीवी वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर से दवाई ले रहा था। तुम नीचे जाओ, वो मुझे पकड़ेंगे तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाके सीसीटीवी फुटेज दिखा दूंगा। अब क्या हुआ? फिर मेरे ऊपर चोरी का कोई इल्जाम है? इस बार तो तुम नहीं कह सकते कि हेलमेट में चेहरा नजर नहीं आया, क्योंकि इस बार आपने हेलमेट नहीं पहना था। क्या कह रहे हो? मैं तो वेदांत हॉस्पिटल में था, वहाँ से अभी आ रहा हूँ। चाहो तो चल के वहाँ डॉक्टर से पूछ लो। कोई जरूरत नहीं है, शिवा और मैंने खुद तुमको वैन से चोरी करके भागते हुए देखा है। आप किसी सीसीटीवी फुटेज की जरूरत नहीं, समझे? दूध का दूध और पानी का पानी। लड्डू सिंह जी ने बड़ी होशियारी के साथ हाई प्रोफाइल चोर जैक द थीफ को पकड़ लिया है। कल सुबह उसे पुलिस वैन में सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जाएगा। अब लड्डू सिंह जी कुछ कहेंगे? कहना क्या है, बहुत चालाकी और बहादुरी से मैंने इसे पकड़ा है, समझे? कल इसे सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जा रहा है और पुलिस वैन वालों को आदेश है कि चाहे कुछ भी हो जाए वैन रास्ते में नहीं रोकना है, समझे? कहीं ये भाग न जाए इसीलिए। सुना है शिवा ने भी इसको पकड़ने में आपकी मदद की। दरअसल शिवा ने कुछ नहीं, बहुत कुछ मदद की है, क्योंकि पकड़ा तो उसी ने है। मैंने तो सिर्फ हथकड़ी पहनाई है। झूठ, सब झूठ, निकम्मे और नाकारा लोग मेरे भाई को धोखे से पकड़कर मेरा नाम दे रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लड्डू सिंह जी वो देखिए, चोर वैन के ऊपर चढ़ गया है। कैसी रही? आपका भाई जेल में है, ये बस आपको बिल में से बाहर निकालने की तरकीब थी। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? बच्चों की तरह कहीं जाके खेलते कूदते क्यों नहीं? आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि बड़ों के काम में दखल नहीं दोगे। क्या करें? वैन में फाइट हो रही है, रोके कि नहीं? नहीं, हमें आदेश है जब तक सेंट्रल जेल ना आ जाए या लड्डू सिंह जी ना कहें, वैन रोकनी नहीं है। चलते रहो। Huh?
क्यों भाई साहब, अब कुछ खातिरदारी का मौका हमें भी तो दो।